अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना के नोडल अधिकारी श्रवण माटा ने कारोबारी सुगमता के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमारे यहाँ अब केवल 10% के करीब ही ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें ऑनलाइन मुहैया करवाना बाकी है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना के नोडल अधिकारी श्रवण मांटा ने कारोबारी सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमारे यहाँ अब केवल 10% के करीब ही ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें ऑनलाइन मुहैया करवाना बाकी है। कारोबारी आवेदन व स्वीकृतियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है, शेष को भी जल्द ही ऑनलाइन करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। श्रवण मांटा ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिहाज से हिमाचल देश के सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में अव्वल रहा है। प्रदेश की कारोबारी सुगमता रैगिंग में बड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी सुगमता के लिए शानदार कार्य के चलते हिमाचल ने 2014-15 के 23.95% के मुकाबले अब के मूल्यांकन में 94.13% का कार्यान्वयन स्कोर हासिल किया है। इसमें और सुधार के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी ली और सेवाओं को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मुहैया करवाने की मौजूदा व्यवस्था के बारे में बताया, साथ ही शेष सेवाओं को ऑनलाइन करने को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ओपी जरियाल, जिला कृषि अधिकारी नवीन खोसला, टीसीवी शिक्षा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल बिजनेस एक्शन रिफॉर्म प्लान में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत की गई, जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विभाग हैं उसमें काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए लोग रोज ऑफिस में आते हैं। तो एक गवर्नमेंट की ओर से जिस तरह के निर्देश है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने जो भी ऐसी लोगों को सेवाएं देते हैं उनको हमने ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में आना है ताकि लोगों को टाइम बाउंड मैनर में ये सर्विसेज जो है मिल सके। तो इसमें विभिन्न विभागों की जितनी भी सर्विसेज थी उनका रिव्यू किया गया और काफ़ी सारी सर्विसेज हमारी विभागों की जो है ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में आ गई है और ये ऑनलाइन ही प्रोवाइड की जा रही है। और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो भी ऑफलाइन मोड में है उनके लिए भी विभाग जो है कर रहे हैं कार्य। जबकि प्रदेश को अगर नेशनल लेवल पे देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें इम्प्रूवमेंट किया है। पिछले 4 सालों में हम लोग जो है 23% से 94% पे पहुँचे हैं और हमको फास्ट इमर्जिंग स्टेट की श्रेणी में जो है नेशनल लेवल पे रखा गया है। तो हार्डली हमारी करीब 10% के करीब ऐसी सर्विसेज है जो अब हमने ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना है ऑफलाइन से।